की वीडियो स्पेशली उन व्यूवर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी कुकिंग करना स्टार्ट किया है या फिर कुछ टाइम से वो कुकिंग कर तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर पता नहीं होने की वजह से उन्हें अपने कुकिंग में कुछ कमी लगती है। तो क्या चीजें कैसे करनी है ताकि जो भी वो बनाए उसे परफेक्शन के साथ बना पाए, तो चलिए देखते हैं ये टिप्स आपके कितने काम आ सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू मेक परफेक्ट मूली परांठा। मूली परांठा बनाने के लिए सबका तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग इसको डबल रोटी में बनाते हैं, यानी कि उसकी फिलिंग जो करते हैं दो रोटियां बनाने के बाद उसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं और उस तरह से बनाते हैं। लेकिन सिंगल रोटी में बनाया गया परांठा बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन अगर उसकी फिलिंग इस तरह से निकल जाती है तो ये बहुत ही इरिटेटिंग होता है, क्योंकि बार बार फिलिंग निकल जाने की वजह से वो हर जगह चिपकती है, जिससे कि परांठे का टेस्ट भी खराब होता है और साथ ही टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे किस तरह बनाएं कि सारे परांठे परफेक्ट हों। मूली का परांठा बनाने के लिए जिस तरह से आप मूली को पील करते हैं और इसे क्रश करते हैं सेम वैसे ही करना है, उसमें कुछ भी अलग मेथड नहीं है। लेकिन क्रश करने के बाद आपको एक सूती कपड़ा लेना है, पतला कपड़ा जिसे मलमल का कपड़ा भी कहते हैं, उसमें आपको उसका सारा पानी निचोड़ के निकालना है, जिस तरह से मैंने कोफ्ते बनाना भी बताया था सेम ऐसे मैंने लौकी को भी क्रश करके उसका पानी इस तरह से निकालना है। क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जूसी होती हैं तो बहुत पानी छोड़ती हैं जब हम इनके पकौड़े बनाते हैं या फिर परांठे बनाते हैं, तो मेक श्योर कि आपने पूरा पानी निकाल दिया है और जो पानी इसमें से बच जाता है उसे फेंकना नहीं है। इस मूली के पानी से आटा गूंथ सकते हैं। उसके बाद जो भी मसाले आप डालते हैं, जैसे मैंने प्याज डाला है बारीक कटा हुआ, अदरक डाला है, साथ ही अजवाइन डाली है, हरा धनिया डाला है, लाल मिर्च डाली है, साथ ही गरम मसाला डाला है, लेकिन मैंने सॉल्ट इसमें नहीं डाला है। मेरे कहने का मतलब है जो भी मसाले आप डालते हैं वैसे ही डाल, लेकिन सॉल्ट को छोड़ के। सॉल्ट अभी हम नहीं डालेंगे, तो यही एक ट्रिक है कब हमने सॉल्ट ऐड करना है ताकि हमारी मूली के परांठे बहुत ही परफेक्टली बने। तो आटे का जितना बड़ा बॉल हम चपाती बनाने के लिए लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हम लेके परांठा बनाने के लिए उसे रोल करेंगे। उसके बाद मूली की जो फिलिंग हमने रेडी करके रखी है उसमें से एक परांठे के लिए फिलिंग हम एक कटोरी में अलग से निकालेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। तो इस टाइम पे हमने सॉल्ट ऐड करना है। अगर हम सॉल्ट पहले ऐड कर देते हैं सारी फिलिंग में तो परांठे बनाते बनाते मूली अपना पानी छोड़ देती है, जिसकी वजह से सारे परांठे खराब हो जाते हैं। इस तरह से अगर हम साथ के साथ सॉल्ट ऐड करेंगे तो जब तक मूली और सॉल्ट अपना काम करेंगे तब तक हमारा परांठा रेडी हो चुका होगा। तो अभी आप देखेंगे कि परांठा कितने आराम से रेडी हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो नॉर्मल जैसे फिलिंग हम करते हैं किसी भी परांठे के लिए, तो ऐसे ही फिलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा प्रेस करने की इसको जरूरत नहीं है। हल्का हल्का रोल करेंगे और इसमें सूखा आटा लगाएंगे और जैसे चपाती रोल होती है बिल्कुल वैसे ही मूली का परांठा रोल होता हुआ चला जाएगा चिपके भी। अगर आपको लगता है कि इस तरह परांठे बनाने से ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजिली परांठे बन जाते हैं। तवे के ऊपर डालने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ब्रश से, उसके बाद परांठा उसके ऊपर डालेंगे। जैसे जैसे वो पकता जाएगा उसे पलटते जाएंगे और ब्रश की सहायता से इस पर ऑयल लगाएंगे और आपका परांठा रेडी हो जाएगा। सेकेंड टिप इज हाउ टू बॉयल वाइट चने। चने बॉयल करना तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट में चने खाते हैं तो उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वो कलर किस तरह से आता है चने का? वाइट चना को बॉयल करते वक्त उसमें सॉल्ट तो ऐड करना ही है, साथ ही में एक काम हमें ऐसा करना है जिससे कि चने में बहुत अच्छा कलर आएगा। तो पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि चाय पत्ती को किसी मलमल के कपड़े में बांध देंगे और जब हम चने बॉयल करेंगे तो उसमें उसको डाल देंगे, या फिर आंवला को अगर आप सुखा कर रखते हैं तो उसको आप उसमें डाल देंगे। आंवला बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, तो उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने आंवला डाला है इसलिए मैं चाय पत्ती नहीं डालती। इन दोनों ही चीज़ों से कलर बहुत अच्छा आता है। तो चने बॉयल हो चुके हैं, हाई फ्लेम पे उसी आने तक इनको पकाना है, उसके बाद फ्लेम लो कर देना है, 20 मिनट के बाद फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। तो बहुत ही अच्छे चने बॉयल हो जाते हैं इतने टाइम में। लेकिन बॉयल करने से पहले कम से कम 6 घंटे इनको पानी में सोख करके धो रखें। अगर चाय की पोटली आपने डाली है तो बॉयल होने के बाद वो आपने निकाल लेनी है, लेकिन अगर आपने आंवला डाला है तो उसको एज इट इज ही उसमें मैश कर सकते हैं, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं। तड़का आप जैसे लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं, बहुत सारे मसाले डाल के तभी तो बनेगा मसाला। नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू मेक परफेक्ट चपाती। कि चपाती बहुत ही अच्छी बने उसके लिए आपका डो बहुत अच्छा रेडी होना चाहिए। उसके लिए प्लेटफॉर्म पर पहले एक कपड़ा बिछा लें ताकि आपका जो बर्तन है वो हिले नहीं डो रेडी करते वक्त। तो आप आटा डालेंगे परात में, उसके बाद थोड़ा करके पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी आपने एक साथ नहीं ऐड करना है, अदरवाइज आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और चपाती बिल्कुल भी अच्छी नहीं। चपाती बहुत ही अच्छी बने उसके लिए हमें बहुत ही सॉफ्ट डो रेडी करना है। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और सारा आटा इकट्ठा करते जाएंगे। जब परात में बिल्कुल भी सूखा आटा नहीं रहेगा और पूरा आटा एक साथ बाइंड हो जाएगा तब हम इसे भूनना शुरू करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पानी के साथ में ले सकते हैं अपने हाथ में लेकर के उसको अच्छे से भूनते हैं। इसे भूनने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट 4
बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तवा चढ़ा लेते हैं, गर्म करते हैं तवे को, उसके बाद चपाती बेलना शुरू करते हैं। आटे का बॉल आप कितना लेंगे वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चपाती खाते हैं, बहुत छोटी खाते हैं या बड़ी खाते हैं। तो नॉर्मल जैसे भी आप खाते हैं वैसा ही बॉल आप अपने लिए ले सकते हैं और उसके बाद उसे रोल करेंगे हम। अगर आप फर्स्ट टाइम चपाती बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी शेप रोल ना आए, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली। यही काम जो आज आपको बहुत मुश्किल लगता है बहुत ही ईजी लगने लगेगा और आप भी बहुत गोल और बहुत अच्छी चपाती बनाना शुरू करें। अब आप गर्म हो जाए तो चपाती को उस पर डालेंगे और हल्का व्हाइट होने लगे एक साइड से तो उसे पलट देंगे, और दूसरी साइड पर जब हल्के ब्राउन डॉट्स आने लगे तो ये टाइम होता है सीधा फ्लेम के ऊपर लेके जाने का। सीधा फ्लेम पे रखेंगे हम चपाती को, अब देखते ही देखते आपकी चपाती फूलने लगेगी। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेने के बाद उसे उतार लेंगे। स्टेप इज हाउ टू मेक परफेक्ट पूरी। परफेक्ट और क्रिस्पी पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप गेहूं का आटा और साथ ही लिया हाफ अ कप ऑफ सूजी, 1 टेबलस्पून डाल इसमें अजवाइन, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ही रिफाइंड ऑयल। अब इन सब चीजों को अच्छे से हम बाइंड कर लेंगे और उसके बाद में इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप के अराउंड मिल्क। थोड़ा सा दूध ऐड करने से पूरियां और भी अच्छी बनती हैं। और अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। पूरी के लिए जो डो हम रेडी करते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, लेकिन चपाती के लिए जो हम डो रेडी करते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड डो रेडी होता है। बर्तन में आपने पूरियां फ्राई करनी है उसमें तेल डाल के रखें ताकि तेल गर्म हो जाए अच्छे से और पूरियां बेलना शुरू करें। आप चाहें तो साथ साथ पूरी बेल के तल सकते हैं या फिर काफी सारी पूरियां बना के भी साइड रख सकते हैं। थोड़ा सा बॉल लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया है और उसके बाद उसको बेलना शुरू करेंगे। चारों तरफ से आपकी पूरी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। पूरी का साइज आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। चम्मच करके आप विनेगर डालते जाएं जब तक दूध फट नहीं जाता। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 चम्मच व्हाइट विनेगर डाला था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि छैना बिल्कुल अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। उसके बाद मलमल का यानी कि पतला सूती का कपड़ा लेंगे हम और उसमें छान लेंगे इस पनीर को, पानी इसका अलग कर लेंगे और पनीर अलग कर लेंगे। आप चाहें तो सेम इसी तरह से दही या नींबू डाल के भी पनीर बना सकते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा, दूध बॉयल हो जाए तो गैस बंद कर देनी है, उसके बाद डालेंगे आप दही या फिर नींबू। अब मैंने पनीर अलग कर लिया है, उसके बाद ठंडा पानी लिया है एक बोल में। पनीर बहुत ही सॉफ्ट बने उसके लिए 2-3 मिनट तक ठंडे पानी में हम इसको डाल के रखेंगे। और उसके बाद एक परात ली है मैंने, उसके ऊपर थाली रख दी है उल्टी करके, उस पे रखा है हमने
हमने पनीर थाली उल्टी इसलिए की है ताकि जो पानी निकलेगा इसमें से वो सीधा परात में चला जाएगा। उसके ऊपर एक और प्लेट रखी है और उसके ऊपर मैंने रख लिया है चकला। पनीर को प्रेस करने के लिए आपको वेट देना है तो कोई भी वेट दे सकते हैं, आप चाहें तो किसी कंटेनर में पानी फिल करके वो भी उसके ऊपर रख सकते हैं। तो 1-1.5 घंटे में आपका पनीर रेडी हो जाएगा और उसके बाद आप सारी चीजें हटा दें। बहुत ही सॉफ्ट और मार्केट जैसा पनीर आपके पास तैयार है। कपड़े में डालने के बाद इमीडिएटली अगर आप ठंडे पानी में नहीं डालते हैं तो आपका पनीर जल्दी ही हार्ड ही बनेगा। और अगर आप वेट रखने के बाद भूल जाते हैं, यानी कि आप बहुत घंटों तक उसके ऊपर वेट रखे रखते हैं, तो भी उसका सारा जूस निकल जाता है और पनीर हार्ड बनता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और अगर आप किसी तरह से पनीर को एटलीस्ट 1 वीक तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो किसी कंटेनर में थोड़ा सा पानी डालें और उसके पनीर को डाल के फ्रिज में रख दें, जिससे आपका पनीर फ्रेश रहेगा। बॉयल करने हैं उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी इतना लेंगे कि अंडे पूरे उसमें डूब जाए। हाई फ्लेम पे हम पानी के बॉयल होने का वेट करेंगे और जब पानी बॉयल होने लगे तो इस कंडीशन में हम फिर फ्लेम लो कर देंगे और 7-8 मिनट तक ऐसे ही इसे बॉयल होने देंगे। अगर आप बहुत हार्ड बॉयल एग खाना चाहते हैं जिसमें कि योक का आउटर पार्ट बहुत ब्लैक हो जाता है तो उसके लिए आपको 10-12 मिनट्स लगेंगे, लेकिन मीडियम बॉयल एग 7-8 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। और इन एग्स को लो फ्लेम पे बॉयल होते हुए 7-8 मिनट्स हो चुके हैं तो अब इनको मैं ठंडे पानी में निकाल लूंगी। ठंडे पानी में इसलिए ताकि ये इजीली कूलिंग हो सके। ये वो एग्स हैं जिनको किचन के प्लेटफॉर्म पे मैंने रखा हुआ था, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पे ही थे, फ्रिज में नहीं थे। अगर ये फ्रिज में होते तो बॉयल होने में 2-3 मिनट और लगते। कई लोग एग्स को बॉयल करते हुए उसमें सॉल्ट डाल देते हैं ताकि वो फूटे नहीं या फिर उनका पीस अच्छे से निकल जाए, लेकिन अगर आप एग्स को बॉयल करते हुए उनको कवर कर देते हैं तो ऑब्वियसली अंडे फूट जाएंगे। आप इनको कवर ना करें, ओपनली ही आप बॉयल करें तो ये बहुत अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। लास्ट टिप इज हाउ टू सेट कर्ड इन विंटर। समर्स में तो सही इजीली सेट हो जाता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि विंटर्स में सही सेट नहीं हो पाता है। जिस बर्तन में भी आपने घी सेट करना है, लेकिन उसके नीचे मैंने बेस रखा है। कोई भी टॉवल या कोई भी मोटा कपड़ा कुछ भी आप रख सकते हैं वार्म्थ के लिए। उसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून के राउंड लिया है दही, उसको दूध में डाल के मिला देंगे अच्छे से। उसके बाद उसके ऊपर बेस रखते हैं। अब करेंगे इस बर्तन से हम कवर ताकि ये गर्माइश इसमें बनी रहे। सबसे पहले मैंने किचन नैपकिन लिया है, उसके बाद मैंने डाल लिए दो। आप चाहें तो कोई भी ब्लैंकेट रख सकते हैं जिससे कि इसमें हीट बनी रहे और आपका दही सुबह तक बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर आप डे टाइम में कर्ड सेट करना चाहते हैं, बाहर धूप अच्छी निकली है, तो इसी बर्तन को आप ब्लैंकेट में कवर करके धूप में रख दें, 2 घंटे में ही दही सेट हो जाएगा। काफी दिनों से रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, डिफरेंट और बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में पूछा जा रहा था, तो सबको मिला के मैंने एक वीडियो बना दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।